थे उनको सरकार ने दरकिनार कर दिया। ये तो कांग्रेस का इंटरनल नहीं आ सकते मेरे ख्याल से। गुड़ा जी की कौन सी विधानसभा है भाई? उदयपुर। 20,000 गुजर इधर से उधर हो गए, गांव में जा रहा हूँ कि वो प्रत्याशी को देख करके वोट देगा, प्रत्याशी अगर ठीक नहीं होगा तो वोट नहीं देगा। नहीं, राजनीतिक लोगों के झंडे लेकर के मत दौड़ो, नहीं रहता झंडे का डंडा रहता है कि अपने डोर हांकते फिरते। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के मुखिया विजय सिंह बैंसला गुरुवार को पलसाना इलाका के सुंदरपुरा गांव आए। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश कुमार सिंह, दोस्तों आप देख रहे हो राज न्यूज के डेल। दोस्तों पिछले दिनों पलसाना में हुए हादसे में पीड़ित परिवार के घर पहुंचे बैंसला पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि MBC समाज इस बार विधानसभा चुनाव में नई जाजम बिछाएगा और समाज निर्णायक फैसला करेगा। फैसला ने समाज के युवाओं को नसीहत दी कि वह पहले युवा पढ़ाई पर ध्यान दें, राजनीति की बातें वो बाद में करें। सुने उन्होंने क्या कहा। और जिस गलती की वजह से हुआ, जिसकी गलती से हुआ उसके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। ये भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि अगले से जानबूझ के गलती हुई या गलती से गलती हो गई, दोनों कारण हो सकते हैं, वो देखना है। देखना, मेरे को एक चीज से थोड़ा सा मैं आश्चर्यचकित हुआ कि मेरे ख्याल से रात को 11 बजे FIR हुई। जो जांच चल रही है और जो चश्मदीद लोग हैं, जो गांव के लोग जो कह रहे हैं, स्थानीय लोग जो कह रहे हैं, वही बात इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज भी कह ही रही हैं मोटा मोटी तौर पे। तो इस लेवल का सेटिस्फेक्शन है कि इन्वेस्टिगेशन ठीक सा ही हो रहा है। राजनीति के आपसे एक सवाल करेंगे सर कि सर का चुनाव आने वाले हैं, 8-10 महीने में आने वाले हैं, उसमें अपने समाज की क्या भूमिका रहेगी, आप किस तरह से समाज के प्रति क्या। राजस्थान में 200 विधानसभाएं हैं, उसमें से 75 विधानसभाएं MBC समाज, जिसका गुजर समाज एक बहुत बड़ा अंग है, काबिज करते हैं। 37% विधायक जो विधानसभा में बैठते हैं वो MBC समाज के आशीर्वाद से ही बैठते हैं। अगर MBC समाज उनको आशीर्वाद न दे तो वो विधानसभा में नहीं आ सकते। मेरे ख्याल से गुड़ा जी की कौन सी विधानसभा है भाई? उदयपुर वाटी में 23,000 गुजर हैं। अगर 23,000 गुजर इधर से उधर हो गए तो आप खुद गणित लगा सकते हो कौन कहां जाएगा। छोटी छोटी चीजें हैं, 23,000 वोट 46,000 का फर्क करता है, इतनी गणित मुझे आती है राजनीति। और इन 75 विधानसभाओं में 28,000 से लेकर के 78,000 तक के वोट है, मैथ साफ कर लीजिए। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि आपने प्रश्न पूछा है, कि राजस्थान की राजनीति में MBC समाज एक नया जाजम बिछाएगी। हम ये नहीं कह रहे कि हम पार्टियां बना रहे हैं, पार्टी कोई भी हो बहुत फर्क करेगी, निर्णायक भूमिका अदा करेगी, करती आई है लेकिन अब कह के करेंगे। और इस बार एक और चीज मैं बता दूं, युवा जो है बहुत जागरूक हो गया है। जो 4.5% जो वोटर नया आता है हर इलेक्शन में, इस बार 18 से 23 साल का जो व्यक्ति है वो जिंदगी में पहली बार अपना वोट डालेगा। वो पिछले 20 साल से वो सब कुछ देखता आ रहा है, सोशल मीडिया में पढ़ता आ रहा है, उससे कोई चीज छुपी नहीं है। इस बार वो एक एजुकेटेड, इन्फॉर्म्ड, विजडम बेस्ड वोट डिसीजन करेगा। और हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है जितना मैं गांव में जा रहा हूं, कि वो प्रत्याशी को देख करके वोट देगा। प्रत्याशी ठीक होगा तो वोट देगा, प्रत्याशी अगर ठीक नहीं होगा तो वोट नहीं देगा, इतना मैं जानता हूं। सर आप गुजरात साहब, पहली बात तो पढ़ाई करो, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। राजनीतिक लोगों के झंडे लेकर के मत दौड़ो, राजनेता आगे बढ़ जाता है तुम्हारे हाथ में झंडा भी नहीं रहता, झंडे का डंडा रहता है, और फिर तुम बाद में उस डंडे को लेकर के अपने डोर हांकते फिरते हो, क्योंकि जिस समय तुमको पढ़ना होता था